हेलो गाइस, तो आज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को होम टूर। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये है मेरी फेवरेट लोकेशन स्कूल की, और फिर आ गया ये यहाँ पे साइंस लैब है, और फिर हम चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए जगह है, पूरा लंच ब्रेक का सामान है, कुकर भी रखा हुआ है, यहाँ से कैंस भी निकलती हैं। अब आइए, चलिए हम चलते हैं आगे। ये स्पोर्ट्स की जगह है, और यहाँ पे आगे आने के बाद हमें ये फुटबॉल खेलने की लोकेशन भी मिलती है, और ऊपर चढ़ने के बाद ये भी मिलता है हमें। अब नीचे आ जाते हैं और आपको मैं टेरेस दिखाती हूँ। तो हम चलेंगे टेरेस की ओर, और तो अब इस सीढ़ी से हम चलते हैं टेरेस पे, और हम टेरेस पे आ गए। यहाँ पे एक बैनाकूलर भी लगा है। ओके, तो आगे आते हैं, और ये यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ये सब है, और इस लोकेशन से आगे जाना अलाउड नहीं है, पर आप आगे का देख सकते हैं व्यू। ओके, अब हम नीचे चलते हैं, और अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, और मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाती हूँ जो है एलियन के प्लैनेट की लोकेशन। तो आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हमें कोई भी एलियन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एलियन अभी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वैसे ही हमने फेस पे पेंट लगाया था। और ये देखिए, यहाँ से पाइप लगता निकलता है। और भी आइए आगे दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे एस्टेरॉइड्स भी गिरते रहते हैं। यहाँ पे पूरा सूट वूट लगा है। आइए, यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का लॉक, ओ ये मैं फिर भी आगे जा सकती हूँ उसके। अब लिफ्ट से हम ऊपर चलते हैं। ओके, ये पूरा लैब है, ये देखिए, ये तो आपने देखा ही होगा हमारे एलियन वाले वीडियो में। और ये देखिए, यहाँ से ये होता है। ओके, अब हम थर्ड लोकेशन पे चलते हैं। लिफ्ट से नीचे हम लोग आ गए, तो ये हमारा थर्ड प्लेस है। यहाँ पे पूरा जूस वूस गिरा हुआ है। तो फिर ये देखिए, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से औज़ार रखे हुए हैं, और यहाँ पे और फ्रूट्स गिरते जा रहे हैं, बम भी गिर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बम रखा भी हुआ है। तो हम ऊपर चलते हैं, और ये देखिए तो अच्छा सा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी चल लेते हैं। यहाँ पे शहर है। वाह, बहुत अच्छा शहर। मैं घर के अंदर घुस जाऊँ। ओके, अब हम बस इतनी ये लोकेशन है, अब हम अंदर चलते हैं। और आपने यहाँ अंदर की तो पूरी लोकेशन देख ली, बस इतनी है यहाँ पे। तो अब हम अपने फोर्थ लोकेशन पे चलते हैं। ये हमारी फोर्थ लोकेशन है, मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कैसे स्टार्टिंग हुई। ये देखिए, वाह, वाटर क्रिस्टल्स। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। ओके, अब यहाँ से कूदो, फिर और कूदो, फिर और कूदो। और यहाँ पे देखिए, ये बहुत डरावनी सी है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगी हैं बिना मतलब के। ओके, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। ओके, ये सब तो वैसे आप देख ही चुके हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोस में ये आया है, राजा वाला इस प्लेस। और यहाँ पे देखिए, बहुत कुछ खास लगा है, तो कुछ भी खास नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ लोकेशन पे, और ये है हमारी फिफ्थ लोकेशन जहाँ पे हमने किंगडम पार्ट टू वाली लड़ाई करवाई थी। यहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ, यहाँ से हम ऊपर जाके घंटी बजा सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं। और मैं ऊपर जा नहीं सकती, लेकिन आपको ऊपर का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्केलेटन पता नहीं क्यों बना हुआ है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे इसको क्लिक करने से बम स्फोट हो जाता है, और फिर ये रही तोप, इससे मिसाइल भी जाती है जो है नकली मिसाइल्स हैं। और ये मैं आज आपको यहाँ की एक सीक्रेट जगह दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जेल भी है वैसे। अब आइए मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ जो है जहाँ पे विलन वाला राजा
बैठा रहता है ये जगह। यहाँ पे यूनिकॉर्न भी बन रखा है। पानी में क्यों हूँ? ओके अब मैं स्विमिंग करते हुए जाती हूँ। यहाँ पे शार्क भी है। ओके अब मैं इस आइलैंड तक पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए मछली पक रही है। यहाँ पे ख़जाना है। आगे चलते हैं हम। अब जहाज़ में चलते हैं। जहाज़ में पहुँच गए। ड्रॉअर भी है और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी रखी है। यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ने के बाद एक बाइनोकुलर भी है, जैसा स्कूल में था वैसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे पता नहीं किस लिए सीढ़ी लगी है, मैं चढ़ गई। कुछ होता नहीं है वैसे तो, यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं कूद के सो गई। ओके अब आपको 6th लोकेशन पे चलते हैं हम। यहाँ पे कुछ खास है नहीं तो हम 6th लोकेशन पे अब चलते हैं। तो ये है हमारी 6th लोकेशन जहाँ पे हमने घनत मन्नत वाला फर्स्ट सीन किया था और हम यहाँ पे बड़ी बड़ी वाले वीडियो पे भी आए थे। हेलो रेनबो जलपरी, तुम यहाँ पे कैसे? वो बस ऐसे ही मैं निकल गई तुम्हारी आवाज़ सुन के। अच्छा वैसे तुम क्या कर रही हो? वो बस मैं होम टूर वाला वीडियो बना रही थी। अच्छा तो फिर अंदर भी आके दिखाओ ना, वहाँ पे मेरे दोस्त भी हैं। ओके मैं आती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े से बॉटल हैं तो प्लीज़ इग्नोर, पता नहीं क्यों है। ओके तो यहाँ पे हमारा पूरा महल है, पूरा पानी भी है, महल भी है। अरे हेलो शार्क और जेलीफिश, हाय हाय। हाँ तो मैं आपको पूरा महल दिखाती हूँ ये। ओके अब हम नीचे भी चलते हैं। नीचे कुछ खास तो नहीं है वैसे। यहाँ पे ऑक्टोपसेस हैं, खजाने भी हैं और ये है हमारे साइंटिस्ट का लैब, जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सब बटन्स काम करते हैं, एरर भी आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए साइरन लगाए, कैमरे भी लगे हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए वायर टूट जाता है, जुड़ जाता है। और हमने यहाँ पे 2 वीडियो शूट किए हैं इस लोकेशन पर। मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले जो हमने इस लोकेशन में फ़र्स्ट वीडियो शूट किया था वो है ये लोकेशन। इस पर हमने बंदर मामा वाला वीडियो शूट किया था। यहाँ पे ये देखिए, आपको ये तो ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा आपने वहाँ पे जब वो सीन शूट हो रहा था। तो ओके मैं भी जाती हूँ। वी मैं छूट गई हेलीकॉप्टर पैड पर। कोई नहीं अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, जो हमने दूसरा वीडियो यहाँ पर शूट किया था इस लोकेशन पर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने शूट किया था, वो आपको याद ही होगा, एलियन वाला। बाय। अरे 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 वीडियो क्यों बंद कर रहे हैं? बाय समझ के ही समझ गए वीडियो ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी तो ये 8th लोकेशन है। ये देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, जैसे कि इब्न बतूता वाला और भी बहुत कुछ किया है। वो बम बम हज़ाम वाला भी किया है यहाँ पर, और द ग्रीडी फॉक्स वाला भी, और भी बहुत सारे किए हैं। बड़ी बड़ी भी किया है यहाँ पर। और यहाँ पे डरावना पेड़ भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, मैजिकल है यहाँ पे सब। एक तरह से ये हॉन्टेड मैजिकल फॉरेस्ट है। पे घर के अंदर हम जा सकते हैं। ओके यहाँ से भी देखिए लाइट आती है एलियन। हाँ यूएफओ वाली आती है। बस ये इतनी है हॉन्टेड मैजिकल फॉरेस्ट वाली लोकेशन। ये है हमारी 9th लोकेशन जिस पर मैंने कभी शूटिंग नहीं किया है, बट इन फ्यूचर आई थिंक मैं इस पर शूटिंग करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको पूरी लोकेशन दिखा देती हूँ इसकी। पे माइक भी लगा है, कुछ खास नहीं लगा है। यहाँ पर हम कैप्टन बन सकते हैं। और यहाँ पर होली के बम्स लगे हैं। और यहाँ पर बस इतना ही है, साइरन है। अब मैं आपको नीचे जा कर दिखाती हूँ। कूदना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वो नहीं लगा है सीढ़ी। और यहाँ पर देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और कुछ खास लेकिन है नहीं यहाँ पर। मैं आपको नीचे हल्के दिखाती हूँ और मैं हवा में हूँ। और आप सोच रहे होंगे मैं हवा में कैसे हूँ, क्योंकि मेरे पास सुपर पावर है गाइस, आपको पता नहीं है क्या? अच्छा नहीं पता होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बैठ जाती हूँ। ओह बस इतनी है लोकेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अब चलते हैं हमारी 10th लोकेशन पर। जूता उड़ते उड़ते जब पहुँचा जापान में, और हम आ गए हैं अपनी 10th लोकेशन की दुकान पे। तो ये हमारी 10th लोकेशन जो मैंने खुद से बनाई है जापान का मैप देख के। तो ये लोकेशन मैंने इब्न बतूता वाले वीडियो के लिए बनाई थी। तो फिर यही हमारी 10th लोकेशन जो मैंने खुद से बनाई है, जो इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी बेकार सी लग रही है।
और बस हमारे पास 10th लोकेशन है, इससे ज़्यादा लोकेशंस नहीं है हमारे पास। बट इन फ्यूचर अगर नीड पड़े तो मैं खुद से कस्टमाइज लोकेशंस भी बनाती रहूँगी, उसका भी मैं आपको होम टूर पार्ट 2, होम टूर पार्ट 3 इस टाइप से बना के दिखाती रहूँगी वो सब भी। और अभी फ़िलहाल के लिए बाय। Please like and subscribe to my channel.